कार्यकर्ताओं को? देखिए, आज पूर्वी विधानसभा जी राष्ट्रीय जनतांत्रिक के सभी घटक हमारे प्रमुख नेता कार्यकर्ता करता है उनका बैठक था, जिसमें हमारे जिले के जदयू सम्मानित जिला अध्यक्ष मोदी से उपस्थित हुए थे और इसमें सभी लोग चुनाव में लगे। हमारे चारों गठबंधन की जो पार्टी है उनका बूथ स्तर तक कमेटियाँ बनी हुई है और सभी कमेटी के हमारे साथी लगे हुए हैं और जो प्रेम और स्नेह जो मिला है, जो आशीर्वाद मुझे मिला है, इससे साफ जाहिर है कि यहाँ लड़ाई है नहीं। कल यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का आगमन मुजफ्फरपुर जिले के बाबाघाट में हो गया, इसकी क्या तैयारी है आपकी विधानसभा में? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का वर्चुअल रैली हमारे क्षेत्र में 5 जगह पर होगा जी। एक कुर्नी हाई स्कूल में होना है 11 बजे से, दूसरा आपको केरमा हाई स्टेडियम मैदान में होना है 11 बजे से, और तीसरा आपको मर्चा हाई स्कूल के मैदान में होना है 11 बजे से, और आपको त्रिवेणी सिंह उच्च विद्यालय में मुजफ्फरपुर कंपाउंड में 11 बजे से होने जा रहा है। मान 11 बजे से मैं अपील करता हूँ सभी पूर्ण विधानसभा के सम्मानित साथियों से, माताओं बहनों से कि आप हजारों की संख्या में उपस्थित करके माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के वर्चुअल रैली को सुने। क्या मतलब क्या कहा गया है आप लोग? आज एनडीए के जो अध्यक्ष हैं पुरानी प्रखंड के जी और जो जिला अध्यक्ष हैं वो लोग सारे पार्टी के जी इकट्ठा हुआ है और इसका जो बिल्कुल पहुँच चुका है, अब इसको फाइनल टच लेने के लिए किस तरह से बूथों पर काम होगा, किस तरह से हम लोग को क्या रणनीति रहेगी आप लोगों की आगे की? आगे की रणनीति, हम लोग चुनाव जीत रहे हैं, सरकार बनाएंगे जी। अच्छा, बीजेपी से जो चिराग पासवान हट चुके हैं गठबंधन से, उससे क्या आप लोगों को कुछ? नहीं, कोई नुकसान नहीं हो रहा है हम लोगों को। हम लोग हम लोगों का जो चार वो तो बोल रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी के हनुमान है, लेकिन फिर भी पार्टी से अलग है। उसके बारे में जो गृह मंत्री हैं जी अमित शाह जी और कई बार बयान दे चुके हैं, माननीय नरेंद्र मोदी ने भी इस पर स्पष्ट कर दिया है जी। इस सब में बिल्कुल कंफ्यूजन आने की जरूरत नहीं है, वो केवल है तो लोगों को धोखा देने का काम कर रहा है और जनता इस बात को समझ चुकी है। 500 से 1000 वोट उनके उम्मीदवार लाएंगे, जहाँ लौड़ा है ना उन लोग को औकात पता चल जाएगा। तीसरे चरण में यहाँ चुनाव है और क्या लोगों को कहा जा रहा है अभी, क्या करने के लिए आप लोगों के कार्यकर्ताओं को कहा जा रहा है? हम लोग जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो काम हुआ है और जो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो 7 निश्चय का कार्यक्रम हुआ है और जो महिलाओं के लिए काम किया गया है, जो छात्रों के लिए काम किया गया है, जो युवाओं के लिए काम किया गया है, उसको लेकर जनता के बीच में बताने का काम कर रहे हैं, याद दिलाने का काम कर रहे हैं। अभी बाढ़ और कोरोना जैसी आपदा में जो सरकार काम की है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं है, सारी जनता आगे है, हम कार्यकर्ता पीछे है, जनता आगे वोट देने के लिए जी। और हम लोग इस बार जा रहे हैं, इस बार का चुनाव में आप लोग की स्थिति? हम लोग वैसे 2/3 बहुमत से ऊपर से हो सकता है 200 से ऊपर। क्या कोविड-19 की वजह से आपकी पढ़ाई भी थम गई है? ईस्टर्न इंडिया का सबसे विश्वसनीय नाम मेंटोस एड्यूसर्व आपके लिए लाए हैं मी डिजिटल। ये सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस नहीं है, ये है एक वर्चुअल क्लासरूम प्रोग्राम। आपको मिलेंगी क्लासरूम कोर्स की ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज। अपने राज्य में ही रहकर बेहतरीन तैयारी करने के लिए मी डिजिटल से जुड़कर अपनी पढ़ाई ऑनलाइन करें और कोरोना वायरस की स्थिति सामान्य होने के बाद इसे रेगुलर क्लासरूम में कन्वर्ट कर लें। मी डिजिटल को गूगल प्ले स्टोर से आज ही फ्री डाउनलोड करें। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए एमयूजेड न्यूज़ और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।